हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक कैरो के रिएक्शन में। और मैं आज रिएक्ट करने जा रही हूँ, बहुत ही क्यूटेस्ट पाकिस्तानी व्लॉगर हैं शराजी विलेज व्लॉग्स, और इतने क्यूट हैं ये, आई थिंक वर्ल्ड के क्यूटेस्ट व्लॉगर हैं। और आप सब में से बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट भी करी थी इनके व्लॉग पे रिएक्ट करने की, क्योंकि द लेवल ऑफ इनोसेंस दिस किड हैज़ नो, इट्स रियली इमेंसफुल एंड ब्यूटिफुल टू नो। और ये जिस तरह से कराची पाकिस्तान के विजुअल्स दिखाते हैं, जो रियल ब्यूटी निकल के आती है, सो दैट इज़ ऑल्सो अगेन वन ऑफ द रीजन्स वाई पीपल आर लविंग टू वॉच हिज व्लॉग्स, क्योंकि इतने ब्यूटिफुल्स हैं, इतने ब्यूटिफुल सीन्स हैं, इतनी ब्यूटी है पाकिस्तान और कराची में देखने के लिए। तो आज हम जिस व्लॉग पे रिएक्ट करने जा रहे हैं, इट इज़ अबाउट हिज फर्स्ट डे इन कराची। सो आई एम श्योर कि कराची में भी कुछ अच्छा एक्सपीरियंस हुआ होगा और हम कुछ अच्छी चीज़ें जानेंगे कराची के बारे में। तो बिना देरी किए हुए आइए इनके व्लॉग को शुरू करते हैं। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल? मैं ठीक हूँ। अरे वाह, आपको कराची में क्या हाल, मजे का लगा? बहुत अच्छा नहीं लगा। कराची अच्छा नहीं लगा? मैं अच्छा लगा? अब अच्छा नहीं लगा। ओह, मैं भी अच्छा नहीं लगा। कहाँ जा रहे हैं आप, किसके शो पे जा रहे हैं? बादशाह नहीं या बदामी? बादशाह नहीं। यार ये गंबा इतना लंबा था, मैंने यूं करके देखा तो मेरी टोपी गिर गया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत के होंगे। कल मैं जहाँ से आया था कराची, कल रात हम घर पे पहुँचा था, बहुत ट्रैफिक था ना इसलिए। और जिंदगी में मैं पहली बार जहाज में भी बैठा, लेकिन यार एक जहाज में मसला हो गया यार, एक मेरी कान में दर्द हो गया यार। ये क्या हो गया पता नहीं, कान में दर्द हो गया तो जहाज से उतर गया तो कान में दर्द तो खत्म हो गया यार। तो आप भी बाहर जाके देखते हैं कराची को, पता नहीं बाहर कैसा होगा। कराची मैंने घर से नहीं देखा है बाहर। ये देखो मुस्कान जब से आया है छला मार रहा है। कराची जब से आया है ना, तो वो बहुत खुशी है उसको। ये लाल पाम हो गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज आ रहा है मेरा नाम सेहरा जावेद। मुस्कान अजीब अजीब बातें कर रहा है यार, बहुत हंस भी रहा है, अजीब अजीब बातें भी कर रहा है। बाकी ये देखो कमरा है कितना खूबसूरत है, और कराची ऐसा होता है देखो कितना खूबसूरत है। बैठता है ना तो बहुत मजा आता है, और मैं बैठता हूँ। हाय हाय कितना मजा हो गया, ये गमछा ताना हो गया, आराम से सुकून होता है यार, नींद आता है। चलो मुस्कान आप जल्दी जल्दी सलाम। असल को नजरन कैसा से मैं खरखाया सुनिए यार को, मैं कराची कराची बहुत मजा आ रहा है यार, मैं जहाज में घूम कर आ जहाज में बहुत मजा आ रहा था। मुस्कान को उर्दू आता है, बहुत आता है मुस्कान को। चलो मुस्कान कराची को बाहर से भी देखते हैं बाहर कैसा होगा। चलो अभी चलते हैं बाहर। चलो मुस्कान जल्दी जल्दी चलो छत पे चलते हैं। इतना लंबा लंबा सीटी है, खत्म भी नहीं होता है। उठा गया। बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम कराची। वाओ कितना खूबसूरत रहा है। आओ आय आय आय। ओ मैं कहाँ पहुंच गया यार, कितना खूबसूरत जगह। ओ क्या वो से पहाड़ के लग गई यार, मैं पहाड़ ढूंढ रहा हूँ यार, रात का भी पहाड़ ढूंढ रहा हूँ, नहीं मिल रहा यार पहाड़ की तरह। अच्छा पहाड़ इससे दूर होगा, अभी बादल आया हुआ है ना इसलिए पहाड़ नजर नहीं आ रहा यार, इतना लंबा लंबा कर रहे यार। ऊपर भी जाके देखते हैं यार उधर क्या है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। वाओ कितना खूबसूरत जगह है यार, देखो कराची में सर्दी में भी गर्मी आए हुए है यार, देखो ग्रीन ग्रीन है, और मुझे तो समझ नहीं आ रहा यहाँ पे सब ग्रीन ग्रीन है यार, देखो वाव। हमारे गांव में ग्रीन ग्रीन खत्म हो गया था, यहाँ पे तो इतना ग्रीन ग्रीन है यार, खत्म ही नहीं हो रहा, ये क्या हो गया। मुस्कान आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आपका कैसे महसूस हो रहा है भाई? मुझे तो बहुत गर्मी गर्मी महसूस हो रही है, मेरे पाँव जल रहा है यार। अब वो क्या है कितना लंबा लंबा, ओ वो तो खंबा है देखो, सबसे बड़ा खंबा है देखो,
याद है गंबा इतना लंबा था मेरे यूं करके देखा तो मेरी टोपी गिर गया कराची में छत पे आग है क्या मेरे पाँव जल रहा है आई यार बहुत गर्मी है यार कराची में देखो मुस्कान बेचारे को पसीना आ गया यार देखो चल मुस्कान जल्दी जल्दी नीचे चलो यार यहाँ तो बैठना नहीं है मेरी पाँव तो जल गया मेरे पाँव तो जल गया इधर कभी नहीं आएंगे यार यार हमारे वहाँ पे बहुत सर्दी है यहाँ पे इतनी गर्मी है यार मैंने ये दो बनियान पहन के आया था कुछ देर के लिए अब मैं ये दोनों उतारूंगा ओ गर्मी 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 मुझे अपना पहाड़ों में बर्फबारी में भी जाना है इधर नहीं रहने दो तो बहुत गर्मी है भागो नीचे चलो भागो भागो आई है वो तो शुक्र है इधर पंगा है शुक्र मैं बच गया मुस्कान ये जरा मोबाइल पकड़ो मैं ये उतारता हूँ इतना गर्मी है उतारो उतारो और नहीं पहनूंगा यार और नहीं पहनूंगा यार आज का दिन थोड़ी थोड़ा आराम करना है फिर वसीम बादशाही की शो में कल जाना है यार अभी कुछ ही देर बाद वसीम बादशाही मुझे मिल जा रहा है मुझे तो उसके आने का इंतजार है चल यार अभी मुझे बहुत गर्मी लग रहा है मैं आज नहाऊंगा फिर मिलते हैं फिर वसीम बादशाही भी आएगा उसको भी आपको मिलवाता हूँ ये क्या है यार मुझे पता ही क्या है मुझे पता नहीं यह ऊपर वाले ये क्या है यार मुझे समझ नहीं आ रही है ऊपर वाले क्या है माइक है या क्या है हेलो हेलो अरे अरे हेलो हेलो यार मुझे पता ही नहीं शिराज साहब अल्हम्दुलिल्लाह शाद रमजान 2024 के लिए इसकी भी बड़ी जबरदस्त स्टोरी है आपको हम बताएंगे कि किस तरीके से हमारी इनसे बात होती रही हमने बताया नहीं बिल्कुल कहीं भी मीडिया पर या कहीं फिर जो है वो इसमें हमारी अनिला बाजी ने बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है और लेकिन इनके इनके अब्बू और फिर इनके दादा वो बहुत रिलक्टेंट थे ये लोग लाइफ में फर्स्ट टाइम इनके अपने अल्फाज में मैं कोट कर रहा हूँ इनके अपने मासूमान अल्फाज में कि हमने लाइफ में फर्स्ट टाइम हम पहाड़ों से निकले हमने लाइफ में फर्स्ट टाइम पहाड़ों के अलावा कुछ देखा तो ये बहुत रिलक्टेंट थे कि हम तो कभी इस्लामाबाद तक नहीं गए मरी तक नहीं गए सियाचिन ज्यादा से ज्यादा हम स्कर्दू तक गए तो हम नहीं कराची आएंगे कैसे होगा क्या होगा फिर हमने बहुत तवील गुफ्तगू की कॉन्फ्रेंस कॉल्स हुई मेरी अनिला बाजी की और इनके अब्बू की दादा की और इनकी बहुत मोहब्बत के जब मेरी इनके वालिद साहब से बात हुई इनके दादा से बात हुई तो इन्होंने कहा कि वसीम भाई आपने बड़ी तफसील हमारी बात हुई डिटेल फिर उन्होंने कहा बस आपने कह दिया तो हम बच्चे को भेज रहे हैं सो आपका शुक्रिया भी कि इन्होंने ट्रस्ट किया और बहुत मज़ा आएगा इंशाल्लाह इस बच्चे को पहले ही बहुत सारी दुआएं आप सब लोगों को बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आए और बहुत लुत्फ आएगा शाद रमजान 2024 में इंशाल्लाह अभी ये मैं घर ले जा सकता हूँ या घर ले जाओ बट आप क्या पहनोगे मैं तो ठीक है सही से बल्टिस्तान यानी ये तो मुझे नहीं पता घुर से यानी घुर से बल्टिस्तान अच्छा ओके घर बुलाओगे ना मुझे अपने जी खाना खिलाओगे घर में अब दरवाजा बंद करना है तो दरवाजा खुल गया
खुल गया ना, बंद करो। वाह वाह, ये तो आपने मुझे एक जबरदस्त चीज सिखा दी। थैंक यू सो मच। कैसे करेंगे मुस्कान, ये दबाओ। आपको लो लो खराब कर देना है हमने। वाह 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 वाह, मुस्कान को अरे वाह, आपको कराची में क्या हाल, मजे का लगा? बहुत अच्छा नहीं लगा। कराची अच्छा नहीं लगा? मैं अच्छा लगा? अब अच्छा नहीं लगा। ओ, मैं भी अच्छा नहीं लगा। तो क्या अच्छा लगा? मैं अच्छा लगा। ऑफ कोर्स, वेरी गुड। ये हम ये यस वेरी नाइस बहुत आला। अच्छा अभी हम बैठ जाएंगे उधर चल के। चल आ जा। आप तो कोई सवाल पूछो ना। तो ये आपने शुरू कर दिया है, मैं तो आ ही नहीं रहता उसमें। खैर खैरियत से होएंगे, तो कहाँ बैठे हो ये तो बता दो। मैं तो कराची बैठा हुआ है, और कहाँ बैठा हूँ मैं? अच्छा ठीक है, तो अभी आपने क्या देखना है कराची में, और क्या क्या देखना है? कराची में पेशल पेशल किटकिट का पेशल देखना है। ओ, और पालक भी देखना है। अच्छा आप कराची कितनी देर में पहुँचे? कराची तो छः घंटे। ओके, अभी प्लान क्या है कराची में, क्या करना है? कराची में तो घूमना है सिर्फ। अच्छा क्या देखेंगे? पेशल, किटकिट के पेशल और पार्क। अच्छा किसके लिए आप वो करोगे चीयरिंग, कौन सी टीम अच्छी लगती है आपको पेशल में? बबर आजम। पीएसएल बबर आजम, वो कौन सी टीम है पता नहीं। अभी थोड़े दिन पहले हम बाबर आजम के साथ शूटिंग कर रहे थे, वो जलमी की टीम है क्या? वो जलमी की टीम में है। वो भी किट-किट खेलता है क्या? हाँ, नहीं वो नहीं खेलता, पेशावर जलमी की टीम। शिट। हाँ, अभी आप यहाँ पे अगर कराची आ गए तो कराची किंग्स की टीम के लिए खेलेंगे आप जी? क्या खेलेंगे? किट-किट। किट-किट बहुत आला, वेरी गुड। कराची में ज़ेब्रा है? ज़ेब्रा ज़ू होता है ना, जहाँ पे सारे जानवर को रखते हैं, वहाँ होता है ज़ेब्रा। वैसे नहीं होता ज़ेब्रा इधर, नहीं होता है इधर। कव्वे होते हैं, कव्वे देखे आपने? कव्वे तो उधर है ना। हाँ वो देखो, कव्वा बैठा है, वो होता है आपके पास गाँव में? हाँ होता है। ये कव्वा, ये वाला? ये वाला या फुल? ये वाला नहीं है, नहीं ना, फुल ब्लैक वाला होता है। हाँ फुल ब्लैक वाला होता है। उसको क्या कहते हो आप? वहाँ हशक। हशक, ओके। बच्चे जमाम में हशक। नाइस, वेरी नाइस। अच्छा अब आपने जैसे अपना गांव दिखाया था ना सबको जी, उसी तरह से आपने कराची भी सबको दिखाना होगा। कराची तो बहुत बड़ा शहर है ना। तो क्या हो गया, शिराज भी उतना ही बड़ा बॉय है, बिग बॉय है। तो कराची आप दिखाओगे ना सबको? दिखाऊंगी। ओके गुड। अपने गांव के दादा दादी को क्या बोलना चाहते हो अगर वो देख रहे हैं अभी? हाँ, उनके लिए उनको क्या बताओगे कराची के बारे में? दादा को पता है कराची के बारे में? वो आए हैं यहाँ पे जी? आए, बड़ा था ना। हाँ। फिर आए था। अच्छा, वो फौज था, बड़ा से फौज था। ओके। One hour later. बादशाह नहीं, या बादामी?
दिस वाज सो वंडरफुल, सो क्यूट, एंड कितना नेचुरल इनोसेंस निकल के आता है यार वो एक एक चीज जो बोलता है. इट्स लाइक रियल इनोसेंस ऑफ अ चाइल्ड, रियल ब्यूटी ऑफ अ चाइल्ड. सो इट्स रियली अमेजिंग टू वॉच हर. एंड देखते हैं कि वो आगे कैसा करते हैं. वैसे ये वासीम बादामी जो भी शो करते हैं, आई एम नॉट श्योर क्या है, मुझे देखना पड़ेगा. बट आई थिंक इट शुड बी सम काइंड ऑफ किड शो, सिंगिंग डांसिंग समथिंग लाइक दैट. आई हैव टू रियली गूगल इट आउट. आई एम सॉरी मैंने वो गूगल नहीं किया. बट ओवरऑल दिस वॉज रियली 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 इंटरेस्टिंग. एंड मैं पूरे टाइम सिर्फ हंसती रही, मतलब हंस हंस के ना माई चीक्स आर पेनिंग नाउ. सो उम्मीद करती हूँ आपको भी उतना मजा आएगा. मैं मिलती हूँ आपसे अगले एपिसोड पर, तब तक के लिए बाय बाय.